नमस्ते जी, वेलकम टू हिमाचल वायर। आज एक घोस्ट स्टोरी सुनाऊंगी आपको, भूतों की कहानी, शिमला से बीड्स कॉलेज की। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। रवीना नाम था उसका, दिल्ली की रहने वाली थी लेकिन अपनी सारी स्कूलिंग उसने सिडनी से की थी, ऑस्ट्रेलिया से। बहुत ऊँची नहीं थी, पतली सी लड़की थी, ये नहीं कह सकते कि कमाल की खूबसूरत, लेकिन चेहरा जैसे एक बहुत इंटेलिजेंट लड़की का वैसी। कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन एक सपना था जो बार बार आता था। उस सपने में रवीना को उसकी मौत की जगह दिखती थी कि जहाँ पे वो मरेगी। ये सपना देख के उसको पैनिक अटैक्स आते थे, उसको फिट्स आते थे, परेशान रहती थी। बीच में आई थी 2 साल के लिए इंडिया में, अब फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में थी। उसके पिता ने सोचा कि उसको इंडिया बुला लेना और यहाँ के किसी अच्छे कॉलेज से उसकी ग्रेजुएशन करवाना एक अच्छा आइडिया रहेगा। वापस बुला लिया उसको, शिमला में बीड्स में एडमिशन करवा दी। रवीना यहाँ नहीं पढ़ना चाहती थी, उसे हमेशा लगता था कि उसकी बात उसके पिता समझते नहीं हैं, तो अब उसने समझाना भी छोड़ दिया था। कॉलेज में सिस्टर मार्गरीटा के रूम में उसके पिता बैठे थे, उन्हें बता रहे थे कि मेरी बेटी थोड़ी शाय है, रिजर्व नेचर की है, इसको एक सपना आता है जिसके कारण इसे फिट्स आते हैं, पैनिक अटैक्स आते हैं, आप ध्यान रखिएगा। इस बात का अंदाज़ा था उन्हें कि उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा यहाँ पे, कुछ महीने तो बिल्कुल भी नहीं, दोस्त भी नहीं बनाएगी, बहुत मायूस रहेगी। ये सारी बातें सिस्टर मार्गरीटा को बता रहे थे। रवीना बाहर बैठी थी गैलरी में, वेट कर रही थी उनका। बारिश हो रही थी, जिस तरह शिमला में होता है ना, बारिश होती है तो पूरी फॉग बादल जैसे ज़मीन को छू रहे होते हैं, वैसा ही माहौल बना था, ज़ीरो विजिबिलिटी। जो लोग ड्राइव करते हैं वो ज़्यादा अच्छे से समझेंगे इसको। एक लेडी आई रवीना के पास, पूछा उससे कैसी हो, कैसा लग रहा है यहाँ पे। रवीना ने कहा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, कितना घना जंगल है यहाँ पे, कितने बादल हैं, सब कुछ बन बन सा लग रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं यहाँ पे ट्रैप्ड हूँ, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, डर लग रहा है यहाँ पे। उस औरत ने रवीना से कहा फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, मेरी बेटी से तुम मिलोगी, तुम्हें अच्छा लगेगा। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। रवीना के पिता और सिस्टर मार्गरीटा बाहर आए, उसके पिता ने सिस्टर मार्गरीटा को इंट्रोड्यूस करवाया रवीना से। पहले तो वो हैंडशेक करना चाहती थी जैसे ऑस्ट्रेलिया में सभी टीचर्स के साथ में करते हैं, बट उसने खुद को रिस्ट्रिक्ट किया। सिस्टर मार्गरीटा ने बोला चलो मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा दूँ। रूम नंबर 23 था, बीड्स कॉलेज का रूम नंबर 23। सिस्टर मार्गरीटा ने उसे कॉरिडोर तक छोड़ा, आगे रूम उसने खुद ही ढूंढा, जिसमें थोड़ा सा वक्त लग गया। जब दरवाज़ा खोला तो ऑलरेडी वहाँ पे एक रूममेट थी, उसका नाम था सैंडी। इंट्रोड्यूस किया उसने कि मैं सैंडी हूँ, शॉर्ट फॉर्म ऑफ संध्या। लाइवली सी चर्पी लड़की थी, 2 दिन पहले आ चुकी थी, इसलिए अपना सामान अच्छे से सजा चुकी थी। इस रूम नंबर 23 में 3 लड़कियां रहने वाली थी, सैंडी, रवीना और मिनी। मिनी कुछ देर पहले ही कमरे में आई थी, अब अपना सामान लेने गई थी। सैंडी ने रवीना से पूछा कि तुम सामान नहीं लाई हो, एक छोटा सा बैग ही था ना उसके पास। उसने कहा नहीं, मेरे फादर थोड़े दिन में दिल्ली से सामान भिजवा देंगे। इससे ज्यादा एक भी शब्द नहीं बोला, आधी खुली खिड़की से बाहर घने जंगल की तरफ देखती रही एकटक। थोड़ी ही देर में मिनी कमरे में आई सामान से लदी हुई। जैसे ही अंदर आई अपने पैर से दरवाजा बंद किया और सामान के साथ बीच कमरे में गिर गई, खूब जोर से हंसी। रवीना ने मिनी को देखा और उससे पूछा कि हम पहले मिल चुके हैं क्या, ऐसे क्यों लग रहा है मैं तुमसे पहले मिली हूँ। मिनी ने उसे देखा कि नहीं, फिर उससे पूछा तुम कहाँ पढ़ी हो। नॉर्मली होता है ना, कॉलेज के टाइम पे किसी को देखा होता है या मिले होते हैं, तो कहती मैं तो सिडनी में पढ़ी हूँ। मिनी ने कहा नहीं, मैं तो इंडिया में ही पढ़ी हूँ, हम नहीं मिले कभी, अच्छी दोस्ती हो गई थी तीनों में, एक दिन मूवी देखने भी गए रिट्ज थिएटर में। रवीना को तो पिक्चर बहुत अच्छी लगी नहीं, पर बाकी दोनों लड़कियों ने, मिनी और संध्या ने खूब इंजॉय किया। पैदल वापस जा रहे थे संजौली वाले रास्ते से, बीड्स जाते हैं ना, वहाँ से पैदल वापस जा रहे थे। शाम का टाइम हो गया था, ऐसे लगा कि थोड़ा थोड़ा तेज़ चलें, नहीं तो टाइम मिस हो जाएगा हॉस्टल का, डांट पड़ेगी। तो संध्या और मिनी तेज़ चल रहे थे, रवीना से तेज़ नहीं चला जा रहा था, उसे बहुत एफर्ट डालना पड़ रहा था उनकी स्पीड मैच करने के लिए। वही मौसम था, बारिशों का, धुंध पूरी थी, वो पीछे रह गई।
उसको ना वही औरत मिली जो उस दिन कॉरिडोर में मिली थी जब वो अपने फादर और सिस्टर मार्गरीटा की वेट कर रही थी। एकदम प्रिम एंड प्रॉपर, बहुत अच्छे तरीके से तैयार हुई थी। उस औरत ने रवीना से पूछा, कैसा लगा मेरी बेटी से मिलके? रवीना ने कोई जवाब नहीं दिया। उस औरत ने उस जवाब का इंतज़ार भी नहीं किया, अपनी बात ख़त्म होते ही बोली, हम जल्दी मिलेंगे, बहुत दूर दूर से आते हैं हम यहाँ पे एक दूसरे से मिलने के लिए, चलती हूँ। ये बोल के वो अचानक गायब हो गई। सीधा रास्ता था, दूर तक दिखता था, लेकिन उस औरत का कहीं कुछ पता नहीं था। रवीना बहुत ज़्यादा डर गई। उसने बहुत मुश्किल से पहले 2-3 कदम लिए और फिर तेज़ भागने लगी। सैंडी और मिनी से आगे निकल गई, भागती ही चली गई। सैंडी और मिनी उसके पीछे भाग रहे थे, बार बार उसे आवाज़ लगा रहे थे कि इतने भी लेट नहीं हुए हैं कि इतनी तेज़ तुम्हें भागना पड़ रहा है, रुक जाओ। वो नहीं रुकी, सीधे दम कमरे में लिया। जब वो कमरे में पहुंची तो सैंडी और मिनी ने देखा कि बिल्कुल सफ़ेद पड़ी है, हाथ कांप रहे हैं उसके, अजीब लग रहा है सब कुछ। उन्होंने पूछा, क्या हुआ, तुम इतनी तेज़ भागी इसलिए तुम्हें ये हो गया? उसने कहा, नहीं। मिनी को देखकर कहा कि मुझे तुम्हारी माँ मिली थी। मिनी ने कहा, पागल हो गई हो क्या, मेरी माँ को गुजरे हुए तो ज़माने हो गए। सैंडी भी चिल्लाई कि क्या बातें कर रही हो तुम, वो कह रही है ना उसकी मम्मी नहीं है, तुम्हें कहाँ से वो मिल गई? रवीना ने याद दिलाया, तुम्हें याद है पहले दिन मैंने तुमसे पूछा था कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है, तुम्हारी और तुम्हारी मम्मी की शक्ल बहुत ज़्यादा मिलती है ना, इसलिए मुझे लगा, उन्होंने मुझे कहा था कि तुम मेरी बेटी से मिलोगी। फिर उसने बताया कि जो मुझे सपना आता था ना, एक जगह दिखती थी जहाँ पे मेरी डेथ होगी, वो जगह यहीं पास में है। ये क्या कर दिया मेरे पापा ने, बोल के वो ज़ोर से रोई, मुझे तो मेरी मौत के पास भेज दिया उन्होंने। सैंडी और मिनी ने बोला, तुम थोड़ी देर रेस्ट कर लो, हम आते हैं। कमरे से बाहर गए, सिस्टर मार्गरीटा को बताया कि रवीना की तबीयत ठीक नहीं है। सिस्टर मार्गरीटा कमरे में आई, उसने रवीना को बोला, बेटा तुम डिसाइड कर लो, तुमने अपने ये बनाए हुए साइकोलॉजिकल डर के साथ में रहना है या जिंदगी अच्छे से जीनी है? ये किस तरह की बातें कर रही हो तुम? गर्ल्स टोल्ड मी दैट यू सॉ अ घोस्ट, ये किस तरह की बातें हैं? ये बात सुन के रवीना को बहुत गुस्सा आया। सिस्टर मार्गरीटा उसके पास गई, रवीना ने अपनी आंखें खोली तो उनमें इतना गुस्सा था कि सिस्टर मार्गरीटा एकदम पीछे हट गई। कमरे से निकलते हुए वो बोली कि मैं डॉक्टर को बुला देती हूँ। थोड़ी ही देर में डॉक्टर आ गई। रवीना के कमरे में गई तो रवीना बिस्तर पे नहीं थी। सिस्टर मार्गरीटा को बताया गया, उन्होंने बोला, अभी तो 5 मिनट पहले यहीं पे थी, मैं कमरे में आई थी। एक सर्च टीम बनी, रवीना को ढूंढा गया। रवीना अपने हॉस्टल के पास ही एक बहुत बड़े पेड़ पर ही जो बेल लगा करती है ना, आईवी जिसे बोलते हैं, उससे गले में फंदा लगाकर लटकी हुई थी। उसकी डेथ हो चुकी थी, आंखें खुली थी उसकी, जैसे दूर तक देख रही हो। शिमला बीट्स कॉलेज की ये कहानी उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। लाइक कीजिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को। बेल आइकन दबा देंगे तो नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी आ जाएगी। स्टे सेफ टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम। वेयर अ प्रॉपर मास्क, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड जस्ट एंजॉय। थैंक यू।